हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के लिए पनीर मैगी लेके आई हूँ, जो खाने में बहुत ही यम्मी लगता है, बड़ों को भी अच्छा लगता है और साथ साथ बच्चों का तो फेवरेट होता है। तो चलिए हम अपना रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सारा सामग्री है जो मैगी में यूज़ होगा, पनीर है, मैगी है, प्याज है, टमाटर है, धनिया पत्ता है और हरा मिर्च है। तो यहाँ पे कढ़ाई रखेंगे गैस पे और तेल डालेंगे, और तेल जब गरम हो जाएगा तो उसमें हम पनीर फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे 100 ग्राम पनीर लिए हैं और पनीर को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे, जिससे कि मैगी का टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है ये रेसिपी। ज़्यादा बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ऐसे अच्छे तरीके से हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे फ्राई हो चुका है पनीर, और उसी तेल में हम जीरा, हरा मिर्च और प्याज ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से प्याज को भून लेंगे। प्याज को एटलीस्ट ब्राउन होने तक भूनेंगे, नहीं तो प्याज कच्चा कच्चा लगेगा, टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे प्याज ब्राउन हो चुका है, तो अब हम टमाटर ऐड कर देंगे और टमाटर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। टमाटर भी पूरा अच्छे से पकना चाहिए। और देख सकते हैं यहाँ पे टमाटर भी अब पक चुका है। तो यहाँ पे मैगी मसाला ऐड कर देंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, अगर आप खाते हो तो ऐड करिएगा। और यहाँ पे नमक ऐड करेंगे और हल्दी एक चम्मच ऐड कर देंगे और धनिया पाउडर ऐड कर देंगे एक चम्मच, और क्रश किया हुआ लहसुन ऐड कर देंगे जिससे टेस्ट अच्छा आएगा, और थोड़ा सा पानी डाल के मसाला को अच्छी तरीके से भून लेंगे। और मसाला को अच्छे से पकाना है। और मसाला यहाँ पे अच्छे से पक चुका है, तो उसमें हम पानी ऐड कर देंगे, और पानी जब खौल जाएगा तब उसमें मैगी ऐड कर देंगे। यहाँ हम 4 पैकेट मैगी यूज़ किए हैं, और अच्छे तरीके से मिला लेंगे। और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है पनीर मैगी, आप लोग इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। और यहाँ पे पनीर ऐड कर देंगे, और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और मैगी बनके रेडी हो गया है। अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।